चाहिए। वाले ग्लास ये बात तो सही है, ये बार टेंडर वाला ग्लास होता है। हमारे घर में भी इसमें के पांच सेट है, एक हल्का सा ऊपर नीचे है। मैंने बता रहा है कि सर रात माहौल बनता है यार। अब थोड़ा माहौल उधर से हटाओ, पढ़ाई माहौल लो। लोग काम में लग रहे हैं, कुछ देर छोड़ दिया तुमको तो यहीं पे होगे। सर एक काम करिए, ये क्या ही मैं इस तरह से कंडीशन चल रही है। सर ऐसी बात नहीं है। चलो ये दोनों को पकड़ो, इसको ग्लास में डाल, आराम से आराम से, ऐसे उछालना नहीं है, आराम से देखिए, प्यार से ग्लास में डालो। डाल मालूम गुड हो गया। हाँ पूरी कंप्लीट हो गया, बढ़िया। अब अगर मैं बोलूं ऐसा चीज करो कि ये नींबू फ्लोट करने लगे, हाँ तो क्या करोगे, कर पाओगे आप? पत्थर तोड़ लो पहले। चलो मैं बता दूंगा क्या करते हैं इसमें। हम लोग एक ग्लास में तोड़ दो नींबू, बाहर निकलो। देखो नमक डालने से होगा क्या, बेसिकली इसमें इंप्योरिटीज आ गई, इंप्योरिटीज आने की वजह से इस वाटर की डेंसिटी बढ़ गई। बस नहीं, अब जरा नींबू डाल दो, कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ अभी, जब कंप्लीटली मिक्स होगा तभी ऐसा होगा। मिलाते रहना, मिलाते नहीं, मिलाते नहीं, मिलाते आपकी स्पीड हो उसमें बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत है। चलो ओके, ऊपर से नहीं भाई, आराम से धीमे डालो, टूट नहीं लगा क्या बात। चलो खुश हो ना। तो अभी बताओ इसी फिनोमेना से क्या पता लगेगा, अगर हम लोग रिवर पे जाके स्विम करें या फिर सी पे जाके स्विम करें ओशन में, तो इजीली कहां स्विम कर पाओगे? रिवर में ज्यादा लोग डूबते हैं, तो रिवर में क्या है इस टाइप का कुछ था, एकदम इंप्योरिटीज थी नहीं, तो वहां पे जाओगे तो स्विम करने प्रॉब्लम होगी। और समुद्र में ऑलरेडी नमक होता है और नमक कॉन्सेंट्रेशन है, दैट मींस आराम से स्विम कर लेगा। एक डेड सी नाम की कोई एक सी है, उसमें सर फ्लोट करते थे इंसान, ह्यूमन बॉडी फ्लोट। तुम बोलो फ्लोट करती है तो क्यों करती होगी फ्लोट में ह्यूमन बॉडी? क्योंकि सर डेंसिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर इसकी सॉल्ट की जगह शुगर मिला दे तब भी फ्लोट करेगा? नहीं करेगा सर, शुगर हाँ। अब क्या ऐसा हर चीज में होगा? इसके नींबू निकाल दूं इसमें से और इसके अब चौड़ा डाल दूं तब माइट बी, अगर उसका वेट ज्यादा हुआ तो वो नहीं करेगा फिर। वेट नहीं, डेंसिटी ज्यादा होगी तब वो सिंक कर जाएगा, यानी इसकी डेंसिटी जब तक ज्यादा रहेगी तब तक ये फ्लोट करेगा। जैसे एक आलू मिलाया हूं मैं, इतना बड़ा आलू है सर के वो, अरे पैसा नहीं खर्च किया ना, देख रहे हो, ये देखो ऐसे उठा के ले आए हमको, दे दो भाई यार कितना पैसा खर्च करे। तो देखो इसको आलू को पहले इस पे डालते हैं, बताओ सिंक होगा कि फ्लोट करेगा? सिंक करेगा, डूब गया, डूब गया। इसलिए जब इस पे करेंगे तो ये फ्लोट करेगा। लेकिन अगर इसमें मार्बल बॉल्स जो आते हैं ना, वो पास थे लेकिन अंदर अब वापस नहीं जा रहे, वो डालेंगे तो इस दोनों में डूब जाएगा। तो उसको अगर मुझे फ्लोट कराना है तो इसकी डेंसिटी और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन आता है वहां पे कि सी वाटर में इजीली तैर पाओगे कि रिवर पे तैर पाओगे, इसके अलावा और भी चीज आती है कि डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, क्वेश्चन है ये तुम लोग के लिए, डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है और डेंसिटी ऑफ मटेरियल कम है तो फ्लोट करेगा सिंक करेगा? बिल्कुल फ्लोट करेगा। क्लियर है सर? प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल बहुत ज्यादा देते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल तुमने शुरू कर दी ना, तो आप भी बोले। ये कौन बोला था दारू की क्लास है? बड़ी कौन है?